वेलकम बैक मेरे चैनल। और आज इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम से। अभी शाम के टाइम अभी हुआ होगा टाइम करीबन मेरे ख्याल से 5:45 का टाइम अभी हुआ होगा। और हमारे यहाँ क्या है NCR में तो गर्मी दोबारा से फिर बढ़ गई है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए बारिश वगैरह है नहीं बिल्कुल भी, और धूप निकल जाती है बहुत तेज़ मॉर्निंग में, बहुत अच्छी से धूप एकदम से बहुत तेज़ वाली धूप निकल रही है। इसके कारण ही पता नहीं गर्मी के कारण क्या हुआ है कि मेरे फोरहेड के ऊपर ये छोटे 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 दाने भी निकल आए हैं जो दर्द करते हैं ये बहुत। और मेरी आंखें देखिए बहुत गंदी लग रही है मुझे। लेकिन मैं क्या हुआ मेरे से, जो मेरा काजल था वो ख़त्म हो गया और जो थोड़ा बहुत उसके अंदर रहा था ना वो टूट गया। तो बिना काजल की मुझे आदत नहीं है, चेहरा मुझे अपना बहुत ही अजीब लग रहा है। लेकिन अभी मैं मार्केट जाऊँ तो मैं लेके आऊँगी, यहाँ से आसपास से मैं नहीं लेती हूँ, तो मैं देखती हूँ जाऊँगी तो फिर मैं ले आऊँगी काजल वगैरह। तो और अभी मैं बनाऊँगी पहले चाय अपने लिए एक कप, पहले चाय बनेगी और फिर खाने के लिए मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी पूड़ी आज। तो मेरा ही मन कर रहा है, बच्चों का नहीं, मेरा खुद का मन कर रहा है कि मुझे आज आलू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी खानी है। हालाँकि मैंने सुबह दिन में बनाए थे चने, जो चने नहीं आते ब्लैक वाले, वो चने मैंने बनाए थे। तो अभी मैं बनाऊंगी सब्ज़ी आलू वाली, तो वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। और अगर उस तरीके से बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो पहले चलते हैं किचन की तरफ और किचन में जाके बना लेते हैं पहले चाय कप और उसके बाद करते हैं अपनी खाने की तैयारी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, जहाँ तक भी मेरी वीडियो जाती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं और किचन में चल के बना लेते हैं पहले चाय। वहाँ की जो लाइट है वो कर देते हैं ऑफ, बिल्कुल अंधेरा हो गया। आप आ जाते हैं बाहर किचन की तरफ और पीजी बना गए। इन हम लाएंगे चाय एक कप अदरक वाली। वानी वानी चाय के लिए पूछना था उससे कि चाय लेगी कि नहीं, वो सबसे ऊपर गई होगी। तो मैं बना लेती हूँ केवल अपने लिए, और इधर चाय बनाऊँगी तो उधर आलू रखती हूँ गर्म करने के लिए। और यार मैंने ये देखिए दिखाऊँ मैं आपको, ये मेहंदी, और वानी को शौक चढ़ाया आजकल मेहंदी सीखने का, कह रही मैं आपको लगा दूँगी फिर अभी फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको एक बार में ना पंखा ऑन करके लाती हूँ। तो उसे शौक लगा है कि मैं ना आपको मेहंदी लगा दूँगी फिर, तो मैंने कहा चल तू सीख ले, अच्छी बात है मेहंदी, मैं तो लगा लेती हूँ बुढ़ी सीधी। तो मैंने आज उसके लिए पहले की मार्केट से मंगाई थी, उसके लिए मेहंदी वाले जो कौन आता है वो मार्केट से मंगाया था, वो उसने ख़त्म कर दिया। और अभी मैंने ये ना खुद की मेरे पास रखी थी, बहुत अच्छी मेहंदी है, कलर बहुत अच्छा आएगा इसका। तो मैंने इसका पेस्ट बना के ना चीनी और चाय की पत्ती वाला मैंने इसका पेस्ट बनाया, तो ये भी मैं दिखा दूँगी आपको जो लगाएगी। आज बोल रही थी कि मैं आपको लगा दूँगी, तो मैं इसे ना इस पर ढक के रख रखा था मैंने ये, तो अभी ये कुछ टाइम तक रखी रहेगी और फिर मैं इसको इसकी वो जो कोन बनाए हैं मैंने खुद बनाए, तो उसके अंदर मैं उसको दे दूंगी डाल के, फिर देखते हैं उसके हाथ में कितनी सफाई आती है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए मेहंदी के लिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे कोई भी चीज़ है प्रैक्टिस से ही होगी वो। तो पहले चाय बना लेती हूँ और फिर बना लेती हूँ मैं आलू, एक तरफ चाय बनेगी एक तरफ आलू रखती हूँ बनने के लिए। तो चलते हैं पहले चाय बनाते हैं। तो जी यहाँ मैं किचन में आ गई थी, चाय मेरी बनने लग रही है। तो ऐसे मैंने दूध ही लिया था, मैंने पानी नहीं लिया था, सीधा दूध ही डाल दिया था और ऊपर से फिर चाय की पत्ती वगैरह मैं डाल देती हूँ इसमें, अदरक और ऊपर से चीनी, ये चीनी डाल दी है मैंने और इसमें डालूँगी अभी अदरक। मैं चाय की पत्ती डालने के बाद ही अदरक डालती हूँ, नहीं तो फिर दूध फट जाएगा। पहले थोड़ा सा चाय की पत्ती का कलर उसके अंदर आ जाता है ना अच्छे से, तो फिर उसके अंदर बाद में अदरक ऐड किया है। तो चाय उबल चुकी है मेरी और थोड़ा सा इसको पका लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आलू रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो पहले चाय को अच्छे से, जब तक चाय ना पके अच्छे से तो जब तक मज़ा कहाँ आता है। तो पहले चाय पक रही है, इधर मैंने आलू भी धो के रख लिए थे तो इसमें उबलने के लिए आलू भी रख देती हूँ। और यहाँ मैंने निकाला था पूड़ी के लिए आटा, और ये आलू जो थे मैंने उबाल के रख लिए थे, और एक कटोरी टमाटर थे मेरे पास और 2 हरी मिर्च थी कटी हुई। तो अभी इसमें डालती हूँ मस्टर्ड ऑयल
और इस तरीके से सब्ज़ी बना के देखिए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो रात जब भी मैंने बनाई थी, सारी रात को ही बच्चे चट कर गए थे, सारी ख़त्म हो गई थी रात को ये सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। जैसे वो भंडारे में बनती है प्रसाद वाली, उस टाइप की सब्ज़ी होती है। तो इसमें मैंने पहले डाल दिया है हींग और ज़ीरा, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सौंफ, सौंफ का पाउडर था, मतलब सौंफ को मैंने मिक्स ग्राइंड कर रखा था। और इसमें मैंने ऐसे लंबे करके, ये जो मिर्च हैं, हरी मिर्च है, मैंने लंबे करके डाल दी थी इसमें से, बीच में से लंबे लंबे काट के वो मैंने इसमें दो हरी मिर्च डाल दी है। तो अभी इसमें जाएंगे एक कटोरी टमाटर, दो बड़े टमाटर मैंने ले लिए थे, तो दो टमाटर डाल दिए इसके अंदर। सिंपल सब्ज़ी है, सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन हाँ टेस्टी बहुत लगती है। इस तरीके से बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी इसमें मैं क्या करूँगी, ऊपर से जाएंगे आपके मसाले, लाल मिर्च जाएगी, इसके बाद इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, और इसके बाद जाएगी इसमें हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और डाल दिया मैंने, अभी इसके बाद जाएगी हल्दी, और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। इसको अच्छे से चला लेते हैं, और इसमें गरम मसाला भी जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो इसमें अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दो टमाटर थे और मेरी दवाइयाँ चलती रहती हैं, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा खट्टी नहीं करनी थी सब्ज़ी को, तो मैंने अमचूर इसमें अवॉइड ही किया, मैंने कहा अमचूर नहीं डालती हूँ, क्योंकि दो बड़े टमाटर थे, वैसे ही सब्ज़ी अच्छे से खट्टी हो जाती। तो अभी पहले इनको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इनका, बहुत अच्छे से, जैसे कि टमाटर खड़े खड़े ना रहे। टमाटर बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी, और यहाँ से जो ये इसका ऑयल एकदम से बाहर हो जाएगा, टमाटर से अलग हो जाएगा, जब अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी इसकी, फिर इसमें मैंने ये जो अपने आलू रखे थे, मैंने दो छील के, ये मतलब थोड़े से बाउल किए हुए आलू रखे थे, इनको अच्छे से इसमें मैश कर देती हूँ पहले। ऊपर से इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर पहले मैश कर लेते हैं अच्छे से, ताकि मसाला सारा मिक्स हो जाए आलू के अंदर। ये देखिए ऐसे, और थोड़ा पानी डालूँगी इसमें भी, तो पहले पानी डाल के फिर से अच्छे से मिक्स करके ढक के छोड़ देंगे, ये उबलती रहेगी, फटाफट पे लिए रेडी हो जाएगी। जितनी पतली आपको रखनी है उतना ही आप पानी इसमें ऐड कर लीजिए, ज़्यादा पतली नहीं रखनी है मुझे, बस ऐसी ही रखूँगी कंसिस्टेंसी की, तो ये भी ठीक है। और ऊपर से इसमें डाल दी मैंने कसूरी मेथी। तो ये सब डाल के सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ तो छौंक वगैरह तो सब लग गया है सब्ज़ी में, अभी इसे पकाना बाकी है, बस थोड़ी देर इसे पकाएंगे और सब्ज़ी हमारी चटपट से रेडी हो जाएगी। जब तक कर लेते हैं कुछ और काम में अपना उधर, तो सब्ज़ी को छोड़ देते हैं ऐसे ही, ये बनती रहेगी। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और फिर इधर मैं पूड़ियों का आटा लगा रही हूँ, तो इसमें मैंने बस नमक और कसूरी मेथी और थोड़ी सी ज़रा सी बिल्कुल हल्दी डाली है बस, और कुछ भी नहीं डाला, और थोड़ा सा इसमें एक चम्मच ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसका आटा लगा लेती हूँ पहले फटाफट अच्छे से मिक्स करके इसको, और पहले मैं इसका आटा लगा लेती हूँ पूड़ी का। अगर पूड़ी का आटा रेस्ट करने के लिए रख दीजिए बना के, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, हार्ड लगाना है आपको या सॉफ्ट लगाना है वो आपके लिए मर्ज़ी के ऊपर है, कि आप हार्ड आटे से पूड़ी बनाते हैं कि सॉफ्ट से। मैं मीडियम ही रखती हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं रखती हूँ, मैं मीडियम ही रखा था मैंने, पर इजीली पूरी इसकी फटाफट बन जाती है। सब्ज़ी देख लीजिए आप, सब्ज़ी का कलर आप देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है, और ये इधर फटाफट उतार लिए हैं पूरी। तो देखिए पूरी इसके अंदर डाल दी मैंने बना के, और अपने आप ही फूल जाती हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऑयल मैंने कम लिया था, लेकिन क्योंकि ऑयल जैसे बच जाता है ना, फिर वो बार बार उसे यूज़ नहीं करते, तो मैंने उतना ही ऑयल रखा था इसके अंदर बस, जिससे कि दो दो पूड़ियाँ इसके अंदर आती रहें और फटाफट बनती रहें। तो बहुत खस्ता पूड़ी बनी थी मेरी, बहुत अच्छी बनी थी। तो ये सब्जी और पूड़ी वूड़ी सब बन के रेडी है, तो बच्चों को प्लेट लगा के मैं दे देती हूँ, और ब्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे एंडिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को